किसान भाइयों नमस्कार। बबलू पूनिया यूट्यूब और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपके सामने जो है सोनालिका DI 745 ट्रैक्टर चल रहा है। और भाइयों, हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसे कि आपको मालूम है, गेहूं की बुआई जो होती है वो गन्ने की कटाई के बाद में होती है। इस खेत में पहले गन्ना था, तो आप देख सकते हैं ये रोटावेटर से जुताई करवा दी थी। बहुत बढ़िया भान हो रहा है, ज़बरदस्त। अब ट्रैक्टर जो है इसमें मैड़ा मार रहा है। मैड़े से क्या लाभ मिलता है कि धोरे धारे जो हैं वो इकसार हो जाते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और ये मिट्टी जो है लेवल हो जाती है। और अगर खेत में थोड़ा सा भान दोस्तों मान के चलो सूखा है, तो ये इसे मैश कर देगा, इसके डले वगैरह बन रहे हैं तो इसे बारीक कर देगा, तो मैड़े का बहुत लाभ मिलता है। अब ये ट्रैक्टर है सोनालिका का 745 जो अपना 50 HP में आता है। बड़े टायर के साइज़ में भी आता है, छोटे टायर में भी आपको मिल जाएगा। छोटे टायर कैसे दोस्तों, जैसे कि फ्रंट टायर इसमें 6/16 के मिलेंगे, वो नॉन पावर स्टीयरिंग मिलेगा आपको, और पिछले टायर उसमें 13/6/28 के मिलेंगे। ये वो वाला मॉडल जो है ये दोस्तों 750/16 के फ्रंट टायर मिलेंगे इसमें, पिछले टायर आपको इसमें 14/9/28 के मिलेंगे। ट्रैक्टर जो है इस तरीके का डिज़ाइन किया कंपनी ने कि बिल्कुल भी आपको मतलब ये ट्रैक्टर अपने सेगमेंट में बिल्कुल भी आपको ओवर नहीं लगने का, बहुत ही अच्छा लगता है। ये किसानों ट्रैक्टर है, इसे आप एग्रीकल्चर यूज में भी ले सकते हैं, और जैसे किराया वगैरह की जुताई आप करते हैं तो उसमें भी आप इसका बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों सिकंदर सीरीज में HDM हैवी ड्यूटी माइलेज मास्टर ट्रैक्टर है ये, पावर प्लस। पावर प्लस का मतलब सीधा सीधा हो गया पावर स्टीयरिंग है। DLX के साथ में आपको LED लाइट मिलेंगी, प्रो बम्फर मिलेगा इसका, और दोस्तों इसमें होजरी वाल भी मिलता है जिससे आप लेजर लेवलर, MB प्लाओ, रिवर्सेबल, मतलब आप कई तरह के इसमें अलग से एम्बलमेंट भी एक साथ चला सकते हैं। कंपनी फिटिंग फिटेड इसमें मतलब सारा सिस्टम आपको मिलेगा, अलग से आपको कोई भी एसेसरीज नहीं लगानी। 3 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ में आता है दोस्तों। इसमें इनलाइन जो पंप है बोश कंपनी का है, और दूसरा इसमें CAV का भी इनलाइन पंप अब आने लगा है। वो अपनी इच्छा है आपको किस में लेना है। CAV भी बहुत ही पुरानी कंपनी है जिसके रोटर पंप आते थे पहले, आपने नाम सुना होगा 135, और जो IMT ट्रैक्टर आते हैं उनमें CAV के पंप आते थे। जैसे मैकोर्मिक महिंद्रा का आता था इंटरनेशनल मैकोर्मिक B276, उसमें भी CAV का रोटर पंप आपको मिलता था। अब बात हम जैसे यहाँ सोनालिका है तो सोनालिका की करेंगे दोस्तों। ये 50 HP में आता है और बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर। इसमें जो है CC अब थोड़ी बढ़ा दी, पहले जो है 2592 CC में आता था, लेकिन जब ये पहले कभी आया था तो इसने तभी लोगों को बता दिया था कि हाँ मैं कुछ है मेरे अंदर। लोगों ने चलाया इसे, हाथों हाथ लिया दोस्तों। 745 जो है दोस्तों ये अलग बिकता है बिल्कुल, इसमें किसी मतलब इसे किसी को पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आदमी 50 HP की रेंज में लेगा वो तो 745 ही लेगा, और ये अलग ट्रैक्टर बिकता है। किसी भी इसमें मतलब कोई चेंज नहीं करा कंपनी ने, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया, बहुत शानदार। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों शेयर ज़रूर करें, और इसकी जो है लिफ्ट कैपेसिटी भी बढ़ा दी, साइड में गियर कर दिए, ऑयल इम्बिश ब्रेक कर दिए, तो मतलब काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर बना दिया। और अधिक जानकारी के लिए आप अपनी नज़दीकी जो एजेंसी है वहाँ पर आप इसके बारे में पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।